in this video, we are looking how to construct WS question in passive voice on positive verb. How to frame WS question in passive voice on positive verb for present continuous tense. अभी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं हमें WS question के किस तरीके से sentence बनाने हैं positive verb में passive voice के लिए. ये हमारा present continuous का ही topic अभी चल रहा है. अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल हिंदी में बताता हूँ. हम डेली कन्वर्सेशन में जिस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं हमें उसे किस तरीके से सेंटेंस के फ्रेमिंग करनी है फॉर डूइंग कन्वर्सेशन. फॉर एग्जांपल, उन्हें इंटरव्यू के लिए कब बुलवाया जा रहा है, क्लास में कंप्यूटर कितने देर तक चलवाया जा रहा है, आपको क्या खिलवाया जा रहा है, उन्हें फेस्टिव ओकेशन पर क्या पहनाया जा रहा है, बोतल में पानी कब डलवाया जा रहा है, उनकी सैलरी कब बढ़वाई जा रही है, पेट्रोल के प्राइस कहाँ बढ़वाए जा रहे हैं, महंगाई क्यों घटवाई जा रही है, आपको उनसे कैसे मिलवाया जा रहा है, इस तरीके के जितने भी सेंटेंस हैं ये हमारे WS क्वेश्चन के होते हैं. और हम इसे किस तरीके से इंग्लिश में पूछते हैं अभी हम यहाँ पर सीखेंगे. Now, how to ask such type of question in English? First, I tell you its structure for WS question. Our structure for WS question, our structure will be WS bed plus H and R plus passive subject plus B plus bed plus to and be first plus by. पैसिव ऑब्जेक्ट दैट मींस ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क. अगेन डब्ल्यू एच वर्ड प्लस एच एंड आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेड प्लस टू एम ई फर्स्ट प्लस पैसिव बाय पैसिव ऑब्जेक्ट मींस ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क. दिस इज स्ट्रक्चर फॉर डब्ल्यू एच वर्ड. ये हमारा डब्ल्यू एच वर्ड के लिए स्ट्रक्चर है. हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस के फ्रेमिंग करेंगे. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, इफ एजेंट इज गिवन यू विल मार्क इट अदरवाइज एलिमिनेट इट. यदि आपका सेंटेंस में कोई एजेंट मेंशन है तो आप इसे पुट करेंगे या फिर उसको आप एलिमिनेट करेंगे. नाउ फर्स्ट हियर आई एम गिविंग इलस्ट्रेशन और फर्स्ट इलस्ट्रेशन स्टेट इलस्ट्रेशन मीन्स एग्जाम्पल. वेन इज शी being made to provide compensation. When is she being made to provide compensation? Its Hindi meaning will be उसको compensation कब provide करवाया जा रहा है. उसको compensation कब provide करवाया जा रहा है. That is its Hindi meaning. Now, look carefully. आप लोग देख रहे होंगे. First we have taken WH word when. Singular noun you will have to put is. Passive subject C. Then being met and be first 2 plus and be first 3 plus 2 and be first 2 provide then other word. आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर को फॉलो करके मैंने सेंटेंस के फ्रेमिंग करी है. अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था यदि आपके सेंटेंस में एजेंट है तो आपको पुट करना है और यदि नहीं है तो नहीं पुट करना है. अभी सेंटेंस में आप देख रहे होंगे इसमें देयर इज नो एजेंट, यहाँ पे कोई एजेंट का रोल नहीं है. सो वी हैव टू एलिमिनेट इट. हम इसको एलिमिनेट करेंगे बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे पुट नहीं किया. ये रेयर केस में होता है. सो हमें पुट करना है, नहीं है तो आप एलिमिनेट करेंगे. नाउडेज इंग्लिश इज कैजुअल सो वी हैव टू एलिमिनेट पैसिव ऑब्जेक्ट एंड वी विल यूज फॉर्मल इंग्लिश. नाउ we look our next example. Here we are taking casual English and generally we call it advanced level. हम इसे advanced level English कहते हैं. Now we look next illustration. Why? Are you being being made to
नहीं हुई थी, आपको भोजन में क्या खिलवाया जा रहा है, आपको भोजन में क्या खिलवाया जा रहा है, डेडी फिट हिंदी में। डब्ल्यू एल मेड देन प्यूलर नाम आर पैसिव सब्जेक्ट बीइंग मेड टू एम बी फर्स्ट देन अदर वर्ड एंड गो ऑफ सेंटेंस एंड यू स्ट्रेंथ बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। आर नेक्स्ट एग्जांपल वेयर आर आर kids being made to fit where are kids being made to fit in a class. Where are kids being made to fit in a class? Its Hindi meaning will be बच्चों को क्लास में कहाँ बिठवाया जा रहा है, बच्चों को क्लास में कहाँ बिठवाया जा रहा है, dirty fits Hindi meaning। Next example. Being made to beat by stick. When is he being made to buy stick? Its Hindi meaning will be उसे स्टिक से कब पिटवाया जा रहा है, उसे स्टिक से कब पिटवाया जा रहा है, डेडी फिट्स हिंदी में। नाउ आवर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हाउ इज पेट्रोल प्राइस being made to high in city. Sorry, how is petrol price being made to high in city? How is petrol price being made to high in city? हिंदी में बिल्कुल भी पेट्रोल के प्राइस सिटी में कैसे बढ़वाए जा रहे हैं, पेट्रोल प्राइस सिटी में कैसे बढ़वाए जा रहे हैं, डेडी फिट हिंदी में। नाउ वी लुक नेक्स्ट एग्जांपल और दे बीइंग made to love and infantry position. Why are they being made to laugh on infantry position? Why are they being made to laugh on infantry position? Its Hindi meaning will be उन्हें अजीब पोजीशन पे क्यों हंसवाया जा रहा है, उन्हें अजीब पोजीशन पे क्यों हंसवाया जा रहा है, डेट फिट्स हिंदी मीनिंग, जो कि इसकी हिंदी मीनिंग है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कंस्ट्रक्ट डब्ल्यू एच क्वेश्चन ऑन पॉजिटिव वर्ब फॉर पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
अभी आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे हमें किस तरीके से डब्ल्यू एस क्वेश्चन में पॉजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस बनाने हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। मैंने अभी आपको इसका स्ट्रक्चर ही बताया और उसके एग्जांपल ही बताया, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके वेरियस एग्जांपल की फ्रेमिंग कर सकते हैं और ये हमारे डेली कन्वर्सेशन में ये क्वेश्चन यूज किए जाते हैं। तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं मैं ये मैंने आपको बताया। हियर आई एंड योर डब्ल्यू एस क्वेश्चन, मैं यहाँ आपका डब्ल्यू एस क्वेश्चन एंड करता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा डब्ल्यू एस क्वेश्चन की फ्रेमिंग करें, इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल एंड यू हैव टू फ्रेम एटलीस्ट वेरियस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इन केयरफुली मैनर। सो कंटिन्यू वॉचिंग माई नेक्स्ट पार्ट, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।